आज से मैंने एग्जैक्टली 2 साल पहले देखना शुरू किया था अटैक ऑन टाइटन एनिमे सीरीज, और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। तो यारो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँगा, शब्द कम पड़ जा रहे हैं मेरे, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन आज के वीडियो में जो है ना, हम लोग बात करने वाले एक ऐसी वेब सीरीज, एक ऐसी एनिमे सीरीज़ की जिसका लेवल इतना हाई है ना कि मुझे शब्दों का चयन करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन बेसिकली मैं बता दूं कि आज के वीडियो में जो है ना, हम लोग बात करने वाले कि क्यों अटैक ऑन टाइटन एनिमे सीरीज़ को इतना ज़्यादा हाई लेवल का माना जाता है, क्यों, ऐसा क्या है इसमें। अब अगर आप लोग अटैक ऑन टाइटन को जानते हो, इस एनिमे सीरीज को जानते हो, उसको देख रहे हो, तो अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के एपिसोड 6 देखा है ना, मतलब कि मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि इसके सीजन 4 के एपिसोड 7 को देखने के बाद जो है ना, इतनी खुशी और मैंने जो है ना इसका सीजन 1 का एपिसोड 1 जो है ना अभी से करीब 2 साल पहले देखा था, और उस एपिसोड को देखने के बाद जैसे ही मैंने उस एपिसोड को बंद किया, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वाओ, लिटरली वाओ। मतलब कि सिर्फ उस पहले एपिसोड में, उस पूरे अटैक ऑन टाइटन के सबसे पहले एपिसोड में जो वॉइस डबिंग थी, एडिटिंग थी, एनिमेशन था, साउंड ट्रैक था, प्लॉट था, राइटिंग था, एवरीथिंग सब कुछ इतना कमाल का था ना कि शब्द नहीं है। अब इतने अच्छे से मैंने तारीफ की अटैक ऑन टाइटन की, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, तो फिर तालियां बजाओ। मतलब कि ये जो अटैक ऑन टाइटन सीरीज है ना, वो आपके सारी पुराने एक्सपेक्टेशंस को पार कर सकता है। ये एक ऐसा शो है जो कि आपकी पुराने एक्सपेक्टेशंस को सब चकनाचूर कर सकता है, और आपके अंदर जो है ना एक नई एक्सपेक्टेशन जागेगी, मतलब एक नई एक्सपेक्टेशन का जन्म होगा। और ये एक एनिमेटेड सीरीज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बस देख लो और छोड़ दो, ऐसा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, तो ऐसा नहीं है। इसके हर एक सीजन के, हर एक एपिसोड के, हर एक सीन में जो है ना कुछ रीजन है। ये आपको ये बताता है कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ये जो सीरीज़ है ना, ये आपके साथ इमोशनल कनेक्शन जोड़ सकती है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है ना, इसमें क्या होता है, ये आपको मॉरल वैल्यूज़ भी देती है लाइफ की। सीरीज़ आपको ये भी बताती है कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड इन लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में सब कुछ कनेक्टेड है, कुछ भी चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती। और ये सीरीज़ मतलब भाई क्या बोलूँ, अगर अभी भी नहीं समझ पाए हो ना, तो फिर तुम लोगों के साथ नंबर गेम खेलते हैं। तुम लोगों को नंबर पर ज़्यादा विश्वास होगा ना, नंबर्स पर, कि क्या नंबर्स है इसके, क्या फैक्ट्स है इसके बारे में। तो फिर मैं बताता हूँ कि ये जो अटैक ऑन टाइटन का एक एपिसोड है, जो कि पूरी दुनिया का समझ रहे हो, पूरी धरती का, पूरे अर्थ का जो है ना हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है पूरी दुनिया में। और इसको रेट किसने किया है, आईएमडीबी ने। अब आईएमडीबी का नाम सुना होगा, या फिर मूवीज वगैरह देखते हो तो फिर सुना ही होगा। और सिर्फ यही नहीं, रुको जरा, सबर करो, दुनिया के 5 हाईएस्ट रेटेड एपिसोड्स में से जो है ना, अटैक ऑन टाइटन के 3 एपिसोड्स आते हैं टॉप 5 के अंदर। नंबर 1 पर है, एक नंबर 3 पर है, और एक नंबर 4 पर है। सेकंड पर जो है वो है ब्रेकिंग बैड। अब ब्रेकिंग बैड का मतलब समझ रहे हो, मतलब वो जिस लेवल की सीरीज थी ना, लेकिन उसको भी पछाड़ दिया। यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड, वाइकिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, इस सीरीज के सामने कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग्स से काफी अच्छी है ये अटैक ऑन टाइटन, लेकिन ब्रेकिंग बैड से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेकिंग बैड का जो लेवल है ना, वो इतना ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि मैं दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकता हूँ। ब्रेकिंग बैड फिर भी जो है ना मेरे लिए नंबर 1 पर रहेगा। अब अगर इतना कुछ सुनने के बावजूद जो है ना, तुम लोग सोच रहे हो कि अटैक ऑन टाइटन बिल्कुल कचरा है, कुछ नहीं है इसमें, तो भाई साहब मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि तुम लोग वही लोग हो जो कि वरुण धवन की एक्टिंग को देखकर जो है ना ये कहते हो कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन से भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है ना, नहीं है ना, ये बता दो सर से, देख लो कुत्ता भी बोल रहा है, बता दो। देखो यहाँ पर मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ इसकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये शुरू से ही पसंद था। अटैक ऑन टाइटन मुझे शुरू से बिल्कुल नहीं पसंद था, सिर्फ पहला एपिसोड पसंद आया था, उसके बाद जो 5-6 एपिसोड थे ना, वो मुझे फालतू लगे थे। लेकिन वहीं पर तो मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई, इसके 12 या 13 एपिसोड होने के बाद जो है ना एक सीन आता है अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 में, आप लोग को याद होगा, जिसमें कि फीमेल टाइटन। अब अगर आप लोगों को टाइटन मतलब नहीं पता, तो फिर बता दो कि थोड़े इंसानों जैसे दिखते हैं वो लोग, लेकिन बहुत बड़े होते हैं साइज में, यानी कि 50 मीटर के आसपास होते हैं वो लोग साइज में, 15 से 50 मीटर के आसपास, और वो लोग जो है ना इंसानों को खाते, तो फिर समझ रहे हो वो काफ़ी बड़े क्रिएचर्स होते हैं। तो फिर वहाँ पर फीमेल टाइटन एडन को लेकर, या फिर कह सकते हो कि एक बंदे को लेकर भाग रही होती है छुपा कर, लेकिन जो है ना उसको रोकना पड़ता है क्योंकि वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मिकासा और हमारे कैप्टन लीवाई की, ये दोनों भी बहुत ही शातिर बंदे हैं, बहुत ही खतरनाक लोग। फिर वहाँ पर अचानक से वन शॉट में जो कैप्टन लीवाई
जो स्लैश शब्दों का चयन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि कैप्टन लीवाई ने अचानक से आकर जो है ना वन शॉट में ही जो फीमेल टाइटन के चितरे चितरे उड़ा दिए, उस सीन को देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि ऐसा सीन जो है ना मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, चाहे मैंने जितनी भी वेब सीरीज़ मूवीज़ जितने भी कुछ भी देखा हो, लेकिन ऐसा सीन मतलब भाई साहब। और भी फाइटिंग सीन्स की बात करो जो कि बहुत ही रिमार्केबल फाइटिंग सीन्स थे, तो फिर था एक जीक वर्सेस लीवाई, यानी कि हमारे कैप्टन लीवाई वर्सेस जीक यानी कि बीस्ट टाइटन जो कि सीजन 2 या फिर 3 में होता था। फिर हमारे जो एडन है उसका टाइटन वर्सेस आर्मर टाइटन। अब इसमें मैं एक और कैरेक्टर की बहुत ही अच्छे से बात करूंगा जिसका नाम है कैप्टन एडविन या फिर लीडर एडविन, जो कि काफ़ी कूल माइंडेड है और उन्हीं का जो कह सकते हैं असिस्टेंट टाइप का उनसे कम लेवल का है, उसका नाम है कैप्टन लीवाई। लेकिन भाई साहब कैप्टन लीवाई को कम मत समझना, उसकी सिर्फ हाइट कम है लेकिन जो मारता है ना साउथ इंडियन एक्ट्रेस फेल एक्ट्रेस साउथ इंडिया के एक्टर्स फेल हो जाएंगे, हॉलीवुड के भी एक्टर्स फेल हो जाएंगे, बॉलीवुड की तो बात ही मत करो। यहाँ पर तो फाइटिंग सीन्स के कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो लीडर है उस टीम का उसका नाम है एडविन और वो जो है ना धोनी की तरह है, कूल माइंडेड, शांति से सोचता है सारे सिचुएशंस को, और उसी का छोटा मतलब कह सकते हैं असिस्टेंट कैप्टन कह सकते हैं जिसका वाइस कैप्टन कह सकते हैं जिसका नाम है कैप्टन लीवाई, और वो विराट कोहली के जैसा है जो कि हमेशा अग्रेसिव होता है और जब मारना चाहे तब मार सकता है किसी की भी। हाँ, अब क्रिकेट लवर हूँ ना, IPL भी आ रहा है ना, तो फिर नशा चढ़ गया है देख सकते हो। और तो और इस एनिमे सीरीज़ को अलग क्या बनाता है, अब तुम लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ एनिमे सीरीज़ मूवीज़ देखी होगी या फिर हॉलीवुड बॉलीवुड जितनी भी देखी होगी, तो उसमें ये होता है कि एक विलन होता है और उसके सामने एक हीरो होता है या फिर ग्रुप ऑफ विलन्स होते हैं और ग्रुप ऑफ हीरोज़ होते हैं, तो वो दोनों फाइट करते हैं अच्छाई और बुराई। लेकिन यहीं पर जो है अटैक ऑन टाइटन एक अलग लेवल का शो बन जाता है, कन्फ्यूज कर देगा कि विलन कौन है और हीरो कौन है, क्योंकि ये लोग जो है ना इनके मॉरल्स कभी चेंज नहीं होते, जो कि हमें शुरू में हीरो लगते थे वो अब जाके हमको लग रहा है कि विलन है, और जो शुरू में विलन लगते थे वो अब जाके लग रहा है कि हीरो है, लेकिन अब जाकर दोनों लग रहा है कि दोनों में से कोई भी विलन हीरो हो सकता है, वो भी बिना किसी मॉरल को चेंज किए हुए। और उनका मॉरल मतलब समझे ना, मॉरल मतलब मालूम है कि नहीं, मॉरल मतलब कह सकते हैं उनके विचार शुरू से एक ही थे, यानी कि जो हीरो का विचार था वो अभी तक वही है और जो विलन का विचार था वो भी अभी तक वही है, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया कि अब हम लोग को लग रहा है कि दोनों में कुछ तो अंतर है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहीं पर वीडियो खत्म करता हूँ, मुझे पता नहीं ये कितने मिनट की वीडियो बन गई होगी, शायद 7-8 मिनट की तो वीडियो बनी गई होगी, 7-8 मिनट ज़्यादा लंबा हो गया है, तो फिर यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। लेकिन अगर अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है तो फिर जाकर देखो भाई साहब, अभी छुट्टियाँ होगी तुम्हारी, समर वेकेशन होगी तो जाकर देख लो, और अगर देखा है तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई, तुम लोग अपना बताना कि कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है तुम्हारा अटैक ऑन टाइटन में से, लेकर कमेंट सेक्शन में बताना कैप्टन लीवाई या मिकासा या फिर एडविन या फिर एरन या फिर ब्रेथोल, जो भी हो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो फिर अब यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन अटैक ऑन टाइटन हमारा टूरू लव है, टूरू लव। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बगल में घंटे का ऑप्शन होगा तो घंटी बज जाना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, घंटी को बजा देना, और फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर सजेशन दे सकते हो, बातें कर सकते हो, फिर मैं उन पर वीडियो बना सकता हूँ तुम्हारे सजेशन पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।